यू आर वॉचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों आज मुझको आपको बताते हुए इतनी खुशी हो रही है और मुझे खुद ही इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने काफ़ी हार्ड वर्किंग के बाद इस बुक को ख़त्म कर लिया है, मतलब आज इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो दोस्तों लगभग 7 चैप्टर लगे इस बुक को यहाँ पर सेकंड लास्ट फेज तक लाने में और आज बारी है चैप्टर नंबर 8 की, और चैप्टर नंबर 8 के ख़त्म होते ही यहाँ पर ये बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने लगभग 8 चैप्टर्स में इस पूरी बुक को कवर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यकीन मानिए जब ऐसी कोई बुक ख़त्म होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है। और दोस्तों यहाँ पर अभी जो आज हम यहाँ पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, तो यहाँ पे मैं आपको अभी क्या है जो स्ट्रैटेजीज इसमें बताई गई हैं, जो 2-3 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, मैं उनको आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन में डाल के दिखाऊंगा ताकि आपको यहाँ पर और ज़्यादा समझ में आए। थ्योरेटिकल मैंने पढ़ लिया है बट मैं आपको यहाँ पर अपनी ये एक्स्ट्रा के जो ऑप्शन एनालिसिस है इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से उस उन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम अपने एक्स्ट्रा पे और बताते हैं कि ये स्ट्रेटजीज़ कैसे डिप्लॉय करनी है दोस्तों। और दोस्तों इन स्ट्रेटजीज़ के साथ ही ये बुक आज ख़त्म हो जाएगी और आप कमेंट करना हमको कि आपको नेक्स्ट बुक का कौन सी बुक का समराइजेशन यहाँ पर चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने एक्स्ट्रा पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहली जो यहाँ पर स्ट्रेटजी है वो है डायगनल पुट कैलेंडर स्प्रेड। अब दोस्तों यहाँ पर डायगनल पुट कैलेंडर स्प्रेड बुलिश, दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको तब डिप्लॉय करनी है जब आपको मार्केट लग रहा है साइडवेज हो, तब आपको मार्केट लग रहा है बुलिश हो या स्लाइटली बेरिश हो, तब भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब डायगनल पुट, पुट इसमें नाम आ रहा है तो पुट का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस स्ट्रेटजी को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 31,722। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन यहाँ पर लेना है और जो 31,722 है तो आउट ऑफ द मनी 31,000 भी हो सकता है, 31,100, 31,200, 31,500। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमेशा प्रेफर करें या मतलब राउंड फिगर लें, मतलब जैसे 31,000 है या 31,500 है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस आप ज़्यादा चुनने की कोशिश करें क्योंकि ये ऐसी जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो टूटने के कम चांस होते हैं, क्योंकि इन पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम मोस्ट ऑफ हैवी रहता है। तो 31,200, 31,300 लोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आपको क्या करना है, आपको लेना जैसे 31,000 चल रहा है तो ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी। अब आप इसकी जो नियर टर्म की एक्सपायरी है 29 अप्रैल की, इसको करेंगे सेल। प्राइस आप दोस्तों यहाँ पर नोट रखना, इसका बहुत बड़ा रोल है इस स्ट्रेटजी में, प्राइस कितना चल रहा है 381। तो हम इसको कर लेते हैं ऐड। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ऐड कर लिया 381 को, अब इस स्ट्रेटजी का नेक्स्ट भाग पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपायरी लेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट इसकी। अब 29 अप्रैल के इसकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो है 6 मई। अब यहाँ पर हम उसकी एक्सपायरी को लेंगे और दोस्तों जो ये प्राइस है 381 वो हमको देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का है, ठीक है। 381 या 381 के आसपास, 380, 370, 390 इस टाइप से हम यहाँ पर चेक करेंगे और उसको करेंगे हम बाई। दोस्तों पुट ही रहेगा, स्ट्राइक प्राइस बेशक चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बट ये पुट रहेगा, स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर 381 कौन से का यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस का बैठ रहा है 6 मई का। तो ऑप्शन चेन में चले, 6 मई यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं 380 के आसपास कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको दे रही है। तो दोस्तों हम देखिए 30,100 6 मई की 30,386 यहाँ पर चल रही है, तो इसको करेंगे हम क्या दोस्तों, इसको करेंगे हम बाई, ठीक है, एड पोजीशन 6 मई। अब दोस्तों इस पर क्लिक करते ही हमारी ये वाली स्ट्रेटजी बन चुकी है, डायगनल पुट कैलेंडर स्प्रेड बुलिश, ये हमारी बन चुकी है। हमने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है डायगनल पुट कैलेंडर में, यहाँ पर हमने नियर टर्म की एक्सपायरी यहाँ पर हमने सिलेक्ट की है, नियर टर्म की ये है जो कि 381 जो कि थी OTM, उसको हमने शॉर्ट किया है और बिल्कुल उससे नेक्स्ट एक्सपायरी थी 6 मई की, उसको हमने बाई किया है। और जो ऑप्शन का प्राइस है वो मोस्ट ऑफ सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं करना दोस्तों। अगर 381 पे गया है तो उसी के आसपास आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 5 पॉइंट्स का डिफरेंस ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इस ट्रेड का आप देखिए यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, वो मिला 78.27, छोड़िए खैर इसको, आपको 9000 समथिंग का प्रॉफिट है, 23000 यहाँ पर आपको लॉस है। अब इसका दोस्तों जो ब्रेक इवन है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी को अगर डिप्लॉय करेंगे तो आप ये मत देखिए कि भाई यहाँ पर रिस्क कितना, रिस्क वो आप मैनेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी कम लग रहा है, 33000 के कुछ आसपास आप यहाँ पर मार्जिन लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए आपने एक बुलिश स्ट्रेटजी यहाँ पर डिप्लॉय की थी और उसका जो प्राइस अभी चल रहा था वो चल रहा था 31700 और यहाँ पर आपका ब्रेक इवन कितना बना है दोस्तों 30415, मतलब यहाँ पर कितना 1300 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको ब्रेक इवन मिला है, ठीक है, कितना 1300 पॉइंट्स का, ठीक है 1300 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको ब्रेक इवन मिला है। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट आपका जो आपने पुट शॉर्ट की है 29 अप्रैल वाली उसके आसपास एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहाँ एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट चल रहा था 31700, तो दोस्तों मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, बहुत ऊपर जाएगा तब तो नील बटे सन्नाटा रहेगा, बट अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर होगा तो आपको मोस्ट ऑफ यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो घबराने वाली बात आ रही थी वो थी 23000 का जो लॉस है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस 23000 कब होगा, जब मार्केट 26000 चलेगा, 26000 पे एक्सपायर होगा। तो दोस्तों वो कितना स्पॉट से कितना है 17% है, जो कि बहुत कम चांसेस है दोस्तों, अगर होगा तो होगा, वो हम भी नहीं रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता, बट आपको भी पता है कि 17% का मूवमेंट कितना यहाँ पर पॉसिबल होता और कितना नहीं होता। तो दोस्तों आप इस ट्रेड को आप कैसे कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अगर आपका यहाँ पर 29000 के आसपास एक्सपायर होगा तब आपको 9-10000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों 29000 पे भी आप देख सकते हैं 7% के आसपास का स्पॉट है, अगर आप बैंक निफ्टी आपके अगेंस्ट जाएगा 7% तब आपको उतना लॉस होगा जितना आपको प्रॉफिट हो रहा, तो 1:1 का तो वैसे ही हो गया। अब दोस्तों इस स्ट्रेटजी में एक खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, खास बात दोस्तों है इसका यहां पर जो हमने डिप्लॉय किया था 381 प्राइस था, 386 था हमने जो बाई किया था दोस्तों, 5 पॉइंट्स का हमारा यहां पर क्या डेबिट है 5 पॉइंट्स का यहां पर। तो दोस्तों जब क्या होगा, या तो देखो मार्केट ट्रेड लेते ही मार्केट अगर देखो अगर मार्केट यहां पर क्या चला जाता है, अगर मार्केट चला जाता है साइडवेज, ठीक है, क्या अगर मार्केट चला जाता है साइडवेज तो आपको प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आने लगता है तो आपको प्रॉफिट इतनी जल्दी आप तुरंत लॉस में नहीं आएंगे, और मार्केट अगर ऊपर भी चलता चला जाता है तो फिर तो आप वैसे ही लॉस में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या है कि कम मार्जिन इसमें लगता है और यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल पुट कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी हमारी नंबर 1 स्ट्रेटजी, आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी में आप 31000 की जगह 31500 भी ले सकते हैं, बट आप ये सेम रखिए कि आपका जो ऑप्शन प्राइस है वो क्या रहे दोस्तों यहाँ पर सेम रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है दोस्तों डायगोनल कॉल्स, हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम देख लेते हैं डायगोनल कॉल कैलेंडर स्प्रेड जिसको बोलते हैं बीआरसी स्ट्रेटजी। ये बिल्कुल जस्ट हमारी जैसे हमने पुट की देखी थी डायगोनल पुट कैलेंडर, उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको कैसे आपको डिप्लॉय करना है, आप ये समझिए बस ये आपकी क्या है बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी है। तो हम क्या करेंगे, देखो बैंक निफ्टी का चल रहा है हमारा 31722 हम लेंगे, तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपकी नियर टर्म एक्सपायरी होगी 29 अप्रैल, तो आपको क्या करना है आउट ऑफ द मनी कॉल को पहले शॉर्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस आप लेने आउट ऑफ द मनी, तो 31722 के हिसाब से आउट ऑफ द मनी बैठेगा 32000 या 32500 या 33000, तो दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं 32500, ठीक है अपनी सेफ्टी के लिए। इसको करेंगे हम दोस्तों शॉर्ट सेल, प्राइस है दोस्तों हमारा 225 रुपये। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी कितनी 26 मई, उसकी यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 225, उसको हम पहले देखेंगे कौन से ऑप्शन का है। तो 6th of May का हम यहाँ पर देखते हैं, 6th of May हमने क्लिक किया, 6th of May पे हम कॉल देखते हैं 225 रुपये का कौन सा ऑप्शन हमको दे रहा है, 225 हमको दे रहा है दोस्तों, दो दे रहे हैं 33400 और 33500, तो हम 33500 को क्या करेंगे बाई करेंगे, ठीक है इसको हम बाई कर लेते हैं, एड पोजीशन में डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये जो दोनों लेग है तैयार हो चुके हैं, ये स्ट्रेटजी हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखते हैं, आपने देखा हमके 29 अप्रैल को हमने शॉर्ट किया, प्राइस था 225 और नेक्स्ट एक्सपायरी को हमने बाई किया प्राइस 231, मतलब प्राइस मोस्ट ऑफ सेम रहने वाला है,
उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 65% 6000 का प्रॉफिट है, 24000 का लॉस है। आप लॉस को मत देखिए, लॉस बहुत, इतना लॉस आपको कभी नहीं होने वाला। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ब्रेक इवन कितना मिल रहा है, 32873 यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, 32873 यहाँ पर, मतलब लगभग लगभग आपको 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर ब्रेक इवन मिल रहा है अपर साइड में। और नीचे की साइड में तो दोस्तों यहाँ पर माइनर लॉस होता है। तो स्ट्रेटेजी कब काम करेगी दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो काम करेगी, स्लाइटली बुलिश हो जाएगा तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और स्लाइटली बेरिश हो जाएगा तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल उसकी अपोजिट है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको जो लॉस है 24000 वाला वो कब होगा दोस्तों, आप अगर मार्केट आपका 10% मूवमेंट देगा तब भी 20000 लॉस यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ये 6000 है, आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, आप 32500 का यहाँ पर भी कॉल को राइट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर काम करना है दोस्तों। बट आपको ये जो 225 है और 231 जो ऑप्शन का प्राइस है वो यहाँ पर सेम रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये होगी हमारी डायगनल कॉल डायगनल कॉल कैलेंडर यहाँ पर स्ट्रेटजी, ये हो गई बीएच। तो अब